तो आज की हमारी क्लास में हम इंसर्ट मेनू में इलस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि इलस्ट्रेशन का यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहीं से कोई पिक्चर यहाँ पे लेके आना है एक्सेल पे, किसी पिक्चर की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो पिक्चर लाने के लिए आप अगर किसी वेबसाइट से लेके आते हैं तो कॉपी और पेस्ट जस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल डी, कंट्रोल वी आप यहाँ पे कर दें तो आपका कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कभी कभी हमारा एकदम कॉपी एंड पेस्ट करते हैं तो पेस्ट नहीं होता है। जब आपका पेस्ट ना हो तो उस केस में आप क्या करें कि इसको जो है पेंट पे पहले इंटरनेट से कॉपी किया, पेंट पे पेस्ट किया, पेंट से कॉपी करके फिर इस पे पेस्ट करेंगे तो आपका एक्सेल में पेस्ट हो जाएगा। या फिर किसी फाइल से लेना चाहते हो, या फिर मान लीजिए कि यहाँ अभी आपको जैसे कि स्टॉक इमेज जो है आपको दिख रहा है, ये इंटरनेट से आप यहाँ भी इमेज लेके आ सकते हैं डायरेक्टली। इमेज हो गया, आइकन्स हो गए, कटआउट हो गया, उसके बाद आपको स्टिकर्स होंगे, इलस्ट्रेशन हो गए, तो अलग अलग कैटेगरी के हैं जो कि आप यहाँ से भी ले सकते हैं। आइकन्स देखिए, कटआउट पीपल, यहाँ पे पीपल्स के कटआउट्स हैं, स्टिकर्स हैं। देखिए सारे ऑनलाइन है, इसके लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपको होनी चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट लेके आ सकते हैं, इमेज आप लीजिए और इमेज यहाँ आप सर्च कर सकते हैं, तो इमेज है ही, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ इमेज को जैसे wing.com से लेके आना है तो ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो wing.com से आपका आएगा यहाँ पे। लेकिन मुझे इमेज जो है मान लीजिए कि लेके आना है किस अपने डिवाइस से, अपने कंप्यूटर से, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम जो है अपना जो पिक्चर चाहिए उस पिक्चर को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, वो पिक्चर आ जाएगा। अब जैसे पिक्चर आती है तो इसमें सबसे पहला बात होता है रीसाइज का, कि हम पिक्चर को रीसाइज कैसे करें। तो पिक्चर को रीसाइज करने के लिए आप इसको क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं या इस तरह से छोटा कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारा ये फॉर्मूले की क्लास चल रहा है सर, क्या पिक्चर पिक्चर पढ़ाने लगे। तो देखिए क्या है कि आपने अभी बहुत सारे कुछ दिनों से सिर्फ फॉर्मूले पढ़ रहे थे, तो हमने आपको फॉर्मूला की प्रैक्टिस के लिए टाइम दे दिया, और जब तक फॉर्मूला प्रैक्टिस हो रहा है तब तक जो है आप छोटे मोटे टॉपिक्स को कर लें। तो पिक्चर को जब भी आप रिसाइज कीजिएगा ध्यान रखिएगा कि कॉर्नर से करें, क्योंकि अगर यहां से करते हैं या ऊपर से करते हैं तो पिक्चर जो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली स्ट्रेच हो जाता है आपका। तो पिक्चर स्ट्रेच ना हो उसके लिए आप जो है ध्यान रखिए कि कॉर्नर से करें। अगर आप चाहते हैं कि चारों तरफ से पिक्चर आपका रिसाइज हो तो कंट्रोल प्रेस करके आप करेंगे तो पिक्चर आपको चारों तरफ से, मतलब कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरफ से आपका जो है पिक्चर छोटा या बड़ा होगा। ओके, अब पिक्चर के ऊपर आते हैं, पिक्चर अंदर जो है चेंजिंग की बात करते हैं। जैसे यहां पे देखिए रिमूव बैकग्राउंड, तो पिक्चर्स फोटो, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ फोटोशॉप से भी ला के रख दिया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें की कुछ चीज़ें रिमूव हो जाए, तो मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए इसने बैकग्राउंड के बहुत सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया हुआ है। ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड, तो यहाँ पे जो आपका जो कलर हो गया एरिया वो आपका, जैसे आप यहाँ पे कीप चेंज पे क्लिक करेंगे ये आपका एरिया हट जाएगा, लेकिन उसने कलर कलर शेड के अकॉर्डिंग एरिया को पिक किया हुआ है, लेकिन मुझे तो अपने हिसाब से करना है तो यहाँ पे आप कर दीजिए मार्क कीप द एरिया, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि हम लोग फोटोशॉप में जनरली जो लोग फोटोशॉप यूज करते हैं ये चीज को जानते होंगे।
ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप जैसी परफेक्शंस नहीं आता है, इसलिए छोड़ देते हैं। करेक्शन की बात करें तो पिक्चर्स की आप सॉफ्टनेस, ब्राइटनेस, लाइटी, कंट्रास्ट वगैरह को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको अगर मान लीजिए कि बैकग्राउंड में या किसी डिफरेंट कलर में, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में या कोई डिफरेंट कलर में पिक्चर को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, निगेटिव या अलग एक एस्टेटिक में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका आर्टिस्ट डिज़ाइन है कि आप स्केच वगैरह जैसे होते हैं ना, इस तरह से अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी आप चाहते हैं पीछे का एरिया दिखे, तो यहाँ परसेंटेज है, जैसे जैसे ले जाएंगे वैसे वैसे पीछे का देखिए आपका एरिया दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स पिक्चर, कॉम्प्लेक्स पिक्चर का यूज कब होता है, जैसे कि कोई पिक्चर्स आपने लिया और कई सारे पिक्चर्स आपने ले लिया और कई सारे पिक्चर्स के कारण आपका जो ए है फाइल के साइज है वो काफ़ी ज़्यादा आपका बढ़ गया। फाइल के साइज क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा आपका बढ़ गया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फाइल का साइज कम हो जाए, तो यहाँ कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करके हम ओके करेंगे, कंप्रेस पिक्चर भी क्लिक करके ओके करेंगे तो क्या होगा कि माफ़ कीजिएगा, मैं इंटर हेलो माफ़ कीजिएगा, मैं इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ सर, तो यहाँ हमने आपके सामने अपने पिक्चर्स के ऊपर बात की कि कंप्रेस करने की, फिर यहाँ से आप पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पिक्चर में आपने बहुत सारे सेटिंग वगैरह कर दी है, आप चाहते हैं कि सेटिंग सब कुछ सेम रहे, बस दूसरा पिक्चर आ जाए, तो यहाँ से आप अपना पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रीसेट पिक्चर, आपके चेंजिंग से लग रहा है आपका पिक्चर खराब हो गया हुआ है, तो रीसेट करेंगे जैसा ओरिजिनल था उस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर की फ्रेमिंग वगैरह करना है, तो यहाँ से आप फ्रेम वगैरह देख सकते हैं किस फ्रेम में आपको पिक्चर को रखना है। उसके बाद पिक्चर के बॉर्डर जो है कैसा होना चाहिए, ये बॉर्डर आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, बॉर्डर के इफ़ेक्ट कैसा हो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर का लेआउट क्या क्या इसमें से लेना चाहते हैं, तो इस लेआउट में पिक्चर को ला सकते हैं। और टेक्स्ट, पिक्चर का अल्टरनेटिव टेक्स्ट कुछ डालना है, कुछ मैसेज डालना है तो डाल सकते हैं। सिलेक्शन पे या फिर एक विंग फॉरवर्ड होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कई सारे पिक्चर रखे, मैं इसी पिक्चर को कॉपी कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पिक्चर को कॉपी कर सकता हूँ। अभी होता है क्या है कि जैसे मैंने इस पिक्चर को यहाँ रखा, तो ये पीछे वाले पिक्चर से है उतना एरिया कर ले रहते हो जाता है, पीछे चला जाता है। आप चाहते नहीं पिक्चर ऊपर जाए, ये पिक्चर पीछे चला जाए, तो ये आपको सेंड, बैकवर्ड, विंग फ्रंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्शन पे में क्या होता है कि आप चाहते हैं कि आपका दो पिक्चर्स रहे सीट पे बट विजुअल ना रहे, तो यहाँ से हाइड कर देते हैं। इसका यूज हम लोग लेटर हेड में करते थे, क्या होता था कि बहुत सारे केसेस में हमें लेटर हेड को प्रिंट करना होता था, तो कभी क्या होता था कि नॉर्मल पेज पे करना होता, ब्लैक एंड व्हाइट करना होता था, जैसे फोटो स्टेट, मान लीजिए कोई हम कोई लेटर कोई कुछ एग्रीमेंट हम दे रहे हैं, तो हम एग्रीमेंट की एक कॉपी अपने पास भी रखते थे, तो हमें फोटो स्टेट कराना होता था, तो हम फोटो स्टेट कराने के बजाय हम
फोटो स्टेट कराने के बजाय हम उसी की एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकाल देते, मतलब कि दो प्रिंट निकालते थे, एक प्रिंट होता था हमारा लेटर हेड पे, दूसरा प्रिंट होता था हमारा ब्लैक एंड व्हाइट। तो लेटर हेड पे जो प्रिंट करते थे, लेटर हेड के ऊपर का जो टाइटल होता था वो हमें प्रिंट नहीं करना होता था। तो हमने क्या किया हुआ, तो लेटर हेड का पूरा टाइटल जो था वो हम अपने एक्सेल में डिजाइन कर रखे थे। तो हम जब लेटर हेड पे प्रिंट करते थे तो उसकी जो लेटर हेड की हेडिंग डिजाइन होती थी उसको यहाँ से हाइड कर देते थे। जब ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना होता था फोटोकॉपी के लिए, तो हम लेटर हेड के जो हेडिंग होते थे उसको वापस हम विजुअल कर लेते थे इस तरह से। तो यहाँ से विजुअल कर सकते हैं पिक्चर्स की। चलिए उसके बाद इसमें आपका आता है लाइन, पिक्चर को तीनों पिक्चर को सेलेक्ट करके, जैसे कि आप एक सीध में लेफ्ट में या टॉप में या बॉटम में या दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ से सेट करना है, तो ये चीज़ें यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटेट पिक्चर को किसी एंगल पे आप रोटेट करना चाहते हैं रोटेट कर सकते हैं। अब जैसे कि कई सारे पिक्चर हैं, दोनों ये तीनों इंडिविजुअल है अपने अपने हिसाब से है, तो कंट्रोल प्रेस करके तीनों पिक्चर को सेलेक्ट कर लें और यहाँ आपके सामने आता है ग्रुप, इसको ग्रुप कर लेंगे तो ये पिक्चर फिर एक कहलाएगा, एक पिक्चर हो जाएगा। अनग्रुप करेंगे तो हट जाएगा। उसके बाद इसमें एक चीज़ और भी आती है, जैसे कि क्रॉप, मान लीजिए पिक्चर को अपने हिसाब से आपको काट छाट करनी है तो यहाँ पे आप क्रॉप पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंगल पिक्चर क्लिक करना पड़ेगा, नहीं ज़्यादा करेंगे तो नहीं होगा, आपको एक साथ कई पिक्चर को क्रॉप नहीं कर सकते, वन बाई वन कर सकते हैं। ये आप मोबाइल में ही भी करते होंगे, फिर इसकी हाइट वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये तो पिक्चर की फॉर्मेटिंग रही। अब बात करते हैं कि अगर पिक्चर ना लेके हम और क्या क्या ले सकते हैं, तो आप यहाँ से शेप्स ले सकते हैं, कोई भी शेप डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी आकृति जो है आप डिजाइन यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको लिया और ये डिजाइन कर दिया, इस तरह के शेप्स डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए शेप्स की वो सारे वही फॉर्मेटिंग है जो कि हमने पिक्चर की थी। यहाँ पे शेप के स्टाइल ले सकते हैं, कैसा स्टाइल होना चाहिए, यहाँ से शेप्स के फिल कलर, शेप के आउटलाइन कलर, इस शेप के इफेक्ट, उसके ऊपर लिखी गई टेक्स्ट का इफेक्ट, ऑल टेक्स्ट वही है, और बाकी जो सिलेक्शन पिन और रेंज वगैरह वही चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ आती है, वो आता है कि शेप्स, ये तो फिक्स डिज़ाइन है, मुझे अलमारी इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है, थोड़ा सा इसकी डिज़ाइन में चेंज करना है, तो एडिट शेप्स में यहाँ पे एडिट पॉइंट जब क्लिक कर देंगे तो ये आप पॉइंट्स आ जाएगा। ये पॉइंट आने के बाद से आपको क्या करना है कि अपने हिसाब से जिस पॉइंट को कम और ज़्यादा करना चाहते हैं वो करके शेप्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो शेप्स में ये फैसिलिटी होती है। उसके बाद यहाँ पे आइकन्स है, जैसे आपने बताया था आइकन ले सकते हैं, 3D मॉडल है, 3D जो 3D मॉडल, यहाँ पे एक्सेल 2065 और 19 में एक नया फीचर आया है कि आप 3D इफेक्ट, 3D मॉडल यहाँ पे आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसका कोई ख़ास यूज होता नहीं है। उसके बाद स्मार्ट आर्ट है, आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं, जो इस तरह का है, अगर मान लीजिए कि आपको सर्कल हो गया, हेरिकल हो गया, इस तरह कुछ बनाना है आपको, तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं और अपना फ्लो चार्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें जो टेक्स्ट लिखना है लिखें, कोई पिक्चर देना है पिक्चर भी दें, और इसकी सारी फॉर्मेटिंग ऊपर है जो कि ले सकते हैं, कोई खास है नहीं, आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रीन शॉट, अगर मान लीजिए किसी का स्क्रीन क्लिपिंग करना चाहते हैं, प्रिंट स्क्रीन हम लोग लेते हैं, तो प्रिंट स्क्रीन पूरा विंडो का होता है, कोई पर्टिकुलर पार्ट को लेना है तो आप प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं, वो पर्टिकुलर पार्ट को प्रिंट स्क्रीन कर देगा। ओके, अब इसमें जो हमारा आता है वो आता है ऐप। देखिए आप जब मोबाइल यूज करते हैं तो उसके अंदर, मोबाइल के अंदर आपको प्ले स्टोर दिखता होगा, तो प्ले स्टोर में क्या होता है कि आपको बहुत सारे एंड्रॉयड ऐप मिलते हैं जिसका यूज़ करें, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ऐसे इसी तरह से एडिंग्स, मतलब एक्सेल के बहुत सारे ऑटोमेटेड डिजाइन आपको मिलेंगे स्टोर में। आप जाएंगे गेट एडिंग्स पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर ले जाएगा। तो यहाँ भी आपको कुछ, जैसे गूगल वहाँ पर भी जैसे कुछ पेबल होता था और कुछ फ्री होता था, यहाँ भी सेम होता था। और भी आई की हमारी क्लास ऑनलाइन होती है जीरो स्टडी सिस्टम से, जो कि आप अपने घर पे ले सकते हैं लाइव इंटरैक्टिव 1-to-1।
क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होगा, पहले एक दो क्लास हम डेमो देंगे, क्लासेस डेमो लेके देखते अच्छा लगा तो फिर सैटरडे संडे भी ले सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट भी ले सकते हैं। सर मेरे पास सब वर्क सारे सारे जॉब वाले ही आते हैं, हम वर्क को पेड़ को फ्री देते हैं। ठीक, आप एक काम करें, वेबसाइट ibdindia.com से जाके डेमो क्लास का फॉर्म भर दें। ibdindia.com स्क्रीनशॉट भेज देंगे इसी नंबर पर। हाँ देखो यूआरएल देखना चाहता हूँ किस पे आ रहा है, क्योंकि मैंने कल ही परसों दो दिन पहले ही नया वेबसाइट लॉन्च की है। हेलो सर, आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है सर, देख लीजिए, आप मुझे बता दीजिएगा सर, अगर नहीं भर पाते हैं फॉर्म ibdindia.com पे जाके लाइव क्लास पे क्लिक कीजिएगा ना, जो बुक डेमो क्लास क्लिक कर रहे हैं उसके स्क्रीन पर कर लीजिए। सॉरी, तो ऐड इन से यहाँ पे ऐड करके अपना यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो आज आप लोग जो है अपने इस पे पिक्चर्स इफेक्ट पे काम कीजिए, कल की क्लास में हम आपको चार्ट्स और बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है मयूर जी, सुरभि जी, सर ये आपकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। जी हाँ जी हाँ, मैं अभी नहीं भेज पाऊंगा, सुबह भेज पाऊंगा। सर आपने मुझे वो मैंने जो आपको डेट्स भेजा था उसका रिकॉर्डिंग नहीं भेजा है अभी। मैं हाँ मैंने आपको नहीं भेजा।